हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? आपके सब बढ़िया एकदम। आज हम सीकर ज़िले में आए हुए हैं और यहाँ पे भाई साहब के पास बहुत सुंदर बुली डॉग है। एक मेल है, दो फीमेल है। ये ब्लैक वाली फीमेल है, ये वाइट वाला मेल है और ये ब्लैक वाली फीमेल है। ये अभी 5 महीने की है, ये मेल अभी 3.5 साल का है और ये फीमेल भी एडल्ट है। ये टॉप क्वालिटी के अंदर है। ब्लैक वाली है, ये इसकी बच्ची है, वाइट मेल की बच्ची है, ये भालू की बच्ची है। ये भाई साहब इसके इसका नाम बताओ। भाई साहब ये है काली। काली और कौन सी लाइन से है ये? भाई साहब ये है जो काला पाकिस्तान लाइन की, जो बूढ़ा टाइगर था उसकी लाइन की कोई फीमेल थी जो काला पाकिस्तानी से मेट हुई थी। अच्छा। और उसी के बाप के नाम पे इसका नाम रखा गया है काली। अच्छा, तो भाई साहब सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ। जी सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों से निवेदन करता हूँ, राम राम भाइयों। जी मेरा नाम है सुनील। और अपना गांव का एड्रेस बताओ भाई साहब। जी मेरा गांव राजस्थान में सीकर ज़िले के अंदर पड़ता है, जीणवास। अच्छा। जो कि जीण माता के पास पड़ता है। जीण माता जी का जो मंदिर है उनके पास में गांव आपका। जीण माता जी का बहुत विशाल मंदिर है, उसे तो लगभग बहुत से जगह जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उस चीज़ की। तो हाँ जी, हाँ जी। से मात्र 2 से 3 किलोमीटर मेरा गांव है जीणवास। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब आपने कौन कौन से डॉग रखे हुए हैं? जी भाई साहब मैंने जर्मन शेफर्ड रखे हुए हैं, स्पेशली भाई साहब मैंने बुल्ली रखा हुआ है। अच्छा। रखने में मैंने जर्मन शेफर्ड भी रख रखे हैं, अमेरिकन बुल्ली भी है, लेकिन जो मेरी मैन ब्रीड है वो है मेरी पाकिस्तानी बुली, या अपनी इंडियन बुली जिसे अपन बोलते हैं, इंडियन मेस्टिफ, वो मेरी है, वो मैन ब्रीड है। मतलब बहुत पहले से उसका शौक है मेरे को और मेरी मैन ब्रीड है वो वही है। वैसे एक बार अपना डॉग दिखाओ आप एक बार। देखिए सर ये है मेरा डॉग बोलू जो अभी सो रहा है भड़ाकड़ा। ये अभी क्या है थोड़ी इसको गिल्ली मिट्टी मिली है। हाँ जी हाँ जी, अभी ये थोड़ा रेस्ट कर रहा है। ये है मेरा डॉग बोलू जो कि मेरा सबसे फेवरेट डॉग है। जितने भी मेरे पास 6, 7, 8, 10 कुत्ते हैं उनमें मेरा सबसे फेवरेट कुत्ता है ये। तो भाई साहब बोलूँ कि लाइन के बारे में बताओ और इसकी एज बताओ क्या है। भाई साहब इसकी एज होगी 3.5 साल के समथिंग। अच्छा। हाँ इसकी लाइन है जो पाक इम्पोर्ट सब्बू था उससे एक जोन चॉकलेटी की बच्ची मेट हुई थी। अच्छा। उस लाइन से है ये, लिया था मैंने 12 महीने के समथिंग का। 12 महीने की एज में लिया था आपने? हाँ 12 महीने की एज में। एक हमारे दोस्त है आशीष नाम से जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये एक बतौर गिफ्ट किया था, तो ये उनका दिया हुआ तोहफा है, बहुत ही मेरे को पसंद आया, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। ये वैसा बहुत अच्छा गिफ्ट है आपका और बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुआ डॉग आपका। हाँ वैसा देखो जो है वो आपके सामने है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। भाई साहब आप भोलू के बारे में क्वालिटी बताओ, क्या इसके अंदर ऐसी क्या खास क्वालिटी है? भाई साहब आप तो इसकी सबसे पहले तो फेस देखिए, मतलब पूरा बड़ा पंच फेस है इसका, जो रोटविलर का नहीं होता पूरा बड़ा पंच फेस है भी। हाँ जी, वो तो पूरा बड़ा पंच फेस है। दूसरी बात इसकी जो फेस की स्किन है वो बहुत ज़्यादा लटकी हुई है, हेवी फेस, जो कि फिलहाल मार्केट में जो डिमांड है, हर बंदा जिस चीज़ को बुल्ली में पसंद करता है ना, रिंकल वाले की हमें बुल्ली के बहुत ज़्यादा रिंकल चाहिए, बुल्ली का फेस हेवी हो अच्छा दिखे, वो चीज़ है। तीसरी बात जो इसके फेस में सबसे अच्छी है वो इसके हैं कान, मतलब बहुत से मैंने देखा है जो बुल्ली के कान कटवा देते हैं तो उनसे फेस तो दिखता है लेकिन उसका शो नहीं बन पाता, बुल्ली का जो एक्चुअली उसकी नेचुरल ब्यूटी है, मतलब उसकी नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। इसके जो कान है वो इसकी नेचुरल ब्यूटी को, इसकी सुंदरता को दुगुना कर देते हैं कि देखिए मेरा जो शो है वो सुंदरता है वो कितनी है। अब
इसके तो कान के साथ भी लुक अच्छा आ रहा है पूरा जी, बहुत सुंदर लुक दे रहा है। इसके कान पूरे लंबे लंबे, पूरे मतलब लंबे चौड़े के एकदम सलवट डाले हुए कान, शो को पूरा तरीके से निखार रहे हैं इसका कि देखो मैं एक्चुअली बुल्ली वो हूँ जिसकी ईयर के साथ भी कोई कमी नहीं है। फिर इसकी आती है स्किन क्वालिटी, लोग कहते हैं बुल्ली के अंदर स्किन में थोड़ी हार्ड आती है, प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ये देखो मैं आपको इसकी स्किन दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है इसकी, एकदम प्योर वाइट और प्योर मखमल जैसी, जैसे गुलाब का फूल नहीं होता अपने बिल्कुल नाजुक, उस तरीके से बिल्कुल नाजुक सॉफ्ट स्किन। मतलब एक बार सहलाएं तो अपना मन करता नहीं कि सहलाते रहें, एक बार हाथ इसके ऊपर रख दिया तो मन नहीं करता कि इससे हाथ हटाएं, इतनी सॉफ्ट स्किन है ये देखिए। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ये फ्रेंडली है। तीसरी बात, यदि बुल्ली के अंदर अपन वो देखें कि बुल्ली के अंदर बहुत से बंदे कहते हैं कि यार टेल क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, तो इसकी टेल क्वालिटी देखें तो पूरी लंबी और पूरी पतली टेल क्वालिटी है, जो बुल्ली की एक्चुअलिटी रियलिटी ब्रीड को ब्रीड करती है कि हाँ बुल्ली कहाँ से चला हुआ है, कैसी ब्रीड है, वो चीज़ पूरी दिखाती है इसकी। जो शुरू के अंदर बुल्ली चले थे ना, जो 1970 के समथिंग बुल्ली की जब ब्रीड जनरेट हुई थी, उस समय जो बुल्ली की टेल क्वालिटी थी ना, वो बताया जा रहा है कि बहुत पतली और लंबी टेल क्वालिटी थी जो इसमें देखने को मिली है। इसके बच्चे वगैरह भी लिए आपने? जी मैंने इसके बच्चे लिए हैं, बहुत से बच्चे इसके खड़े भी हैं, एक बच्ची में इसकी तैयार भी कर रहा हूँ। और बच्चे से क्या हाइट निकाल रहे हैं? जी इसके बच्चों ने 12 से 13 महीनों के अंदर 33 इंच, 32.5 इंच, 34 इंच हाइट ये निकाल रखी है इसके बच्चों ने। बहुत ज़्यादा फेस क्वालिटी अपने मतलब बाप से भी ज़्यादा फेस क्वालिटी और क्वालिटी वाइज पैदा हो रहे हैं। उनकी टेल बहुत ज़्यादा लंबी और पतली, पूरी सॉफ्ट स्किन, बढ़िया फेस, पूरी लेंथ इसके साथ बन रहे हैं, मतलब इससे अच्छे बन रहे एक तरह से। हाँ अपने बाप से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ लेके पैदा हो रहे हैं वो, मतलब अपने से ज़्यादा प्रोड्यूसर है वो ये। जब आपने वैसा भी ये ख़रीदा था 1 साल की एज में, तब ये क्या मतलब इसका वेट वगैरह क्या था, कैसा था, मतलब ओनर पिछले ओनर किस टाइप के थे? जी सर जब ये मेरे पास पहुंचा था उस समय इसका बॉडी वेट होगा मात्र 40 से 42 किलो। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी इसकी, हालत ऐसी थी ये खड़ा हो जाए तो 10-15 फुट भी चलता था और बैठ जाता था, मतलब इसकी हालत ऐसी थी ये खड़ा होके साथ फ्रेश होने को नहीं जा सकता था उस टाइम, बहुत बुरी हालत थी। तो ये खड़ा होकर फ्रेश नहीं हो जाए, फिर उन्होंने जैसे मुझे गिफ्ट किया, मैंने इसकी अच्छी देख रेख की, कम से कम 6-7 महीने लगे, इसकी प्रॉपर डाइट दी, बढ़िया नहलाया धोलाया प्रॉपरली, एक बच्चे की केयर होती है ना उससे भी ज़्यादा मैंने इसकी केयर की, तब जाके आज इसका यदि बॉडी वेट मेरे हिसाब से होगा तो 80 से 85 किलो के बीच में इसका बॉडी वेट होगा। हाँ जिस हिसाब से है 80 से 85 किलो इसका बॉडी वेट होगा, जो कि बुल्ली का एक परफेक्ट बॉडी वेट है इस हाइट के अनुसार। हाँ बहुत अच्छा वेट है, मतलब हाइट के हिसाब से बहुत अच्छा वेट है। हाँ 80 से 85 किलो इस हाइट के अनुसार बहुत अच्छा बॉडी वेट है इसका। जी देखो वैसे तो मैं हर फीमेल पे तो अप्रूव नहीं करता, बाकी यदि कोई क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी फीमेल है तो उसके लिए देख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अपने फोन नंबर बताओ जिससे जैसे कोई मेट करवाना चाहिए इसे। जी मेरा मोबाइल नंबर है 8875505570। एड्रेस बता दो आप ताकि आने में आसानी रहे। जी राजस्थान राज्य के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास जिन माता का मंदिर है, उससे मात्र 2 से 3 किलोमीटर के पास ही मेरा घर है। तो लगभग 120 किलोमीटर पड़ गया। हाँ जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर है, और आने में ज़्यादा परेशान नहीं होती क्योंकि जिन माता का मंदिर हर कोई बंदा जानता है इजीली। सीकर से लगभग 20 किलोमीटर। हाँ सीकर से लगभग 20 किलोमीटर है, मतलब आने में तो कोई सबको मतलब एकदम फेमस है मंदिर, फेमस। हाँ हमारा जो जिन माता मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये एक फेमस प्लेस है, यहाँ पे आने में किसी को दिक्कत नहीं होती, इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती इस सिटी में, तो फिर भी एड्रेस नहीं मिलता। यहाँ पे तो क्या है कि बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, यदि आप किसी भी बंदे से पूछोगे ना तो कोई भी बंदा आपको आसानी से मंदिर का रास्ता बता देगा। चलो भाई साहब बहुत अच्छी बात है ये भी। भाई साहब जैसे इसको फीडिंग में क्या करा रहे हो आप, क्या कुछ दे रहे हो खाने पीने में? भाई साहब खाने पीने में इसकी डाइट चलती है 3 टाइम, सुबह शाम और दोपहर, 3 टाइम इसकी डाइट चलती है। तो कंटिन्यू करूँ क्या कुछ दे रहे हो उसमें? तो भाई साहब सुबह तो मैं इसे जैसे एक दिन पहले करता हूँ, जैसे शाम को जो दूध ले रहा 2-2.5 लीटर दूध लेता हूँ स्टार्टिंग में,
तो उस दूध को 2-2.5 लीटर दूध को शाम को फाड़ के रख देता हूँ इसके लिए। भाई साहब जैसे कभी नींबू की कटाई दे दी, कभी छाछ की कटाई दे दी, तो उससे दूध फाड़ जाता है। नींबू कई बार नींबू की कटाई दे देता हूँ, कई बार छाछ की कटाई दे देता हूँ, तो उससे दूध फाड़ जाता है। तो उसको शाम को फाड़ के रख देता हूँ, तो सुबह वो खाने लायक पनीर सा बन जाता है। तो वो खाने लायक पनीर बन गया। फिर मैंने जैसे 7 या 8 प्रकार का अनाज है जो मिक्स करके पिसवा रखा है। अनाज का नाम बता दो भाई साहब। जैसे गेहूँ, ज्वार, मक्का, जौ, बाजरा, तिल, अपने सबसे ज़्यादा है जो मोठ और मूंग होते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आती है, तो मैंने ये भी पिसवा रखे हैं। ये सब पिसवा के क्वांटिटी बता दो, कितना कितना लेते हो? मैं साहब ये सारे मैंने इकट्ठे करके पिसवा रखे हैं। जैसे 10-10 केजी सारे पिसवा लिए, फिर सारे आटे को इकट्ठा कर लेता हूँ एक जगह, अच्छी तरह से पूरे आटे को मिला के फिर उससे रोटियां बनाता हूँ सुबह। तो भाई जैसे सुबह इसके लिए मैं बनाता हूँ 12 से 15 रोटी बनाता हूँ। जो 12 से 15 रोटी बनाई फिर उनको अच्छे से ठंडी करके मिक्स आटे की हो गई वो 7 प्रकार के की, जिसमें इससे प्रोटीन वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाता है, विटामिन प्रोटीन, जैसे 7 प्रकार का आता है तो सब में अलग अलग विशेषता होती है अपनी अपनी, तो वो सारी इस चीज़ को मिल जाती है। तो उन दूध को और उन रोटियों को एक साथ करके उस पर थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इस पर थोड़ा सा कभी फीड डाल देता हूँ, तो उससे क्या इसको थोड़ा फ्लेवर मिल जाता है, टेस्ट बन जाता है, तो अच्छा उसे खा लेता है। बाकी सुबह की डाइट तो है इसकी ये, और दोपहर में मैं इसको स्पेशली इसके लिए दही रखता हूँ अलग से, जो 1 से 1.5 किलो का दही होता है वो इसी के लिए बनाया जाता है। उसको थोड़ा घोट के मतलब उसी की मिलाई उसी के अंदर वो मिक्स कर दी जाती है, जिससे क्या वो घी की पूरी अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन इसको सब कुछ मिल जाए। पूरा मतलब 1.5 लीटर दही आप उसको मिला दे तो अच्छी तरीके से मिला के दोपहर में इसको दही खिला देता हूँ, ताकि थोड़ी इसको ठंड मिल जाए। बुल्ली में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, इस ब्रीड को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है क्यों, हॉट ब्लड है, तो इसको थोड़ी वो ठंड मिल जाए दही खाने के बाद। तो दोपहर में इसको केवल दही दिया जाता है, और जो नाइट में है उसमें इसका दलिया बनाया जाता है, और चावल बॉईल करके उन चावलों के साथ दलिया और 6-7 अंडे बॉईल करके वो अंडे दिए जाते हैं इसे। शाम को भाई साहब जैसे सुबह का बताओ कितने बजे देते हो ये? देखो सुबह मैं इसको देता हूँ 8 से 8:30 के बीच, जिस समय ना तो ज़्यादा सर्दी रहती है, ना ज़्यादा ठंड हो, ना ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यदि ज़्यादा गर्मी हो गई इससे ज़्यादा लेट होता हूँ तो फिर गर्मी हो जाती है, फिर डॉग खाता नहीं क्योंकि हॉट ब्लड है, गर्मी लगने लग जाती है। तो मैं 8 से 8:30 के बीच इसको खाना दे देता हूँ, जिससे क्या थोड़ी ठंड इसको महसूस होती रहती है रात की, तो ये आसानी से खा लेता है। और दोपहर में मैं इसको खिलाता हूँ समथिंग 1 से 1.5 बजे के बीच, ताकि इसको ठंड नहीं लगे। गर्म मतलब 6-7 घंटे का गैप रखते हैं? हाँ 6-7 घंटे का गैप रखता हूँ। शाम को लगभग 7-8 बजे? हाँ शाम को 8 बजे के बाद देता हूँ, शाम को 8 बजे के बाद थोड़ा इसको घुमा फिरा के तैयार करके फिर इसको डाइट दे देता हूँ। अभी यह इसका सोने का टाइम हो गया, देखो रिलैक्स होके आराम से ठंड मिल गई, अब खेत के बीचों बीच बैठे हैं हम। हाँ पूरा रिलैक्स होके सोएगा अब, बढ़िया खेत के बीचों बीच बैठे हैं एकदम, बढ़िया हरियाली के अंदर ये बढ़िया नींद मार रहे हैं, अच्छे से नींद लेगा अब, आराम से सोएगा, पूरी सुकून की नींद सोएगा अब ये। और भाई साहब इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताओ, क्या कुछ करा रहे हो? मैं साहब एक्सरसाइज की है मैं इसे सुबह 4 बजे लेता हूँ अपने साथ, सुबह 4 बजे? हाँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं सुबह 4 बजे लेता हूँ इसको। नॉर्मली मैं बाइक ले लेता हूँ, ये फायदल होता है, तो मैं इसको 5-6 किलोमीटर की रोज़ देता हूँ, जैसे 3 किलोमीटर जाना 3 किलोमीटर आना, कभी 2.5 किलोमीटर जाना कभी 2.5 किलोमीटर आना, तो इससे 5 या 6 किलोमीटर की इसकी रेस हो जाती है कच्चे में, उसके साथ ये फ्रेश फ्रेश भी हो लेता। गर्मी सर्दी होती है थोड़ी बढ़ा देता हूँ उस समय, सर्दी के अंदर थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, जिससे इसको पूरा इसका बॉडी मेंटेन भी मेंटेन रहे, क्योंकि सर्दी के अंदर जो डाइट भी ज़्यादा रहती है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है डेली आपको? देखो भाई साहब शौक रखते हैं तो उसको मेंटेन तो करना ही होगा, बहुत अच्छी बात है, और इसकी वजह से हमारी भी हेल्थ भाई साहब प्रॉपरली रहती है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, क्योंकि सुबह यदि 4 बजे उठ के हम वातावरण की शुद्ध हवा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हम घूम फिर के आते हैं, तो अपना शरीर भी पूरा मेंटेन रहता है। इसका तो एक बहाना हो जाता है कि यार मैं हूँ जो डॉगी को घुमाने लेके जा रहा हूँ, एक्चुअली अपन यूं तो जा नहीं पाते, अकेले बंदे को बोले कि यार 4 बजे उठ के तेरे को जॉगिंग में जाना है, तो कोई भी बंदा 4 बजे उठ के जॉगिंग में नहीं जा पाएगा। इसके बहाने से हमारी भी जॉगिंग हो जाती है, और इससे भी थोड़ा मेल मुलाकात बढ़ जाता है, फिर दिन में तो क्या बिजी लाइफ होती है हर बंदे की,
तो काम पे जाना, ऑफिस में रहना, ज़्यादा टेंशन होती है, तो सुबह का ठंडा माहौल होता है, उसके साथ हमारा शरीर भी साफ रहता है और इसके साथ अच्छे से घुल मिल के इसको भी जॉगिंग हो जाती है और मेरी भी जॉगिंग हो जाती है। वो तो भाई साहब बहुत अच्छी लगी एकदम, आप भी अपने आप को मेंटेन रख रहे हो साथ ही साथ इसको भी मेंटेन रख रहे हो, दोनों अच्छी बात है। और शाम की इसकी बिल्कुल नॉर्मल वॉक है, शाम को मैं फ्री होता हूँ तो मैं ले जाता हूँ, वरना मेरा छोटा भाई है वो 2-2.5 किलोमीटर की नॉर्मल वॉक है, इसको नॉर्मल पैदल जाते हैं, खुला छोड़ देते हैं अपने आप, वैसे पूरा फ्रेंडली है, ना किसी को काटना, ना कोई और, ना अग्रेसिव, पूरा फ्रेंडली है, अपने आप साथ चलता रहता है, घूम लेता है, और 2-2.5 किलोमीटर की शाम को इसकी वॉकिंग है। जैसे भाई साहब आपने दूसरा डॉग भी रखे हुए हैं, अमेरिकन बुली देखा था मैंने, जर्मन शेपर्ड देखा था, तो वो ब्रीड अच्छी है या ये ज़्यादा अच्छी है? देखो सर, ब्रीड एक्चुअली मैं मेरे को शुरू से बचपन से देखने को आता आ रहा हूँ, वैसे कहते हैं कि शौक है वो खानदानी चलता आ रहा है। अच्छा। कई कहते हैं कि मैं शराबी, मेरा प्यो शराबी, वो बात है। जैसे मेरा दादा था वो सबसे बड़ा शौकीन था, तो मैं शुरू से मतलब बचपन से उनके कुछ ज़्यादा साथ अटैचमेंट थे, तो क्लोज थे, तो इस चीज़ का शौक बचपन से लगा था, तो फिर धीरे धीरे मतलब शौक बढ़ाया, फिर एक दो ब्रीड जैसे दादाजी जर्मन शेपर्ड रखते थे, तो पहले उसका शौक था, फिर एक यार दोस्त के पास गए, उसके पास मैंने स्टार्टिंग के अंदर पिटबुल देखा था, तो पिटबुल थोड़ी छोटी ब्रीड और अग्रेसिव कुछ ज़्यादा होती है, तो उस वजह से वो मेरे को इतना पसंद नहीं आया। फिर किसी ने मेरे को एक बार जो सिकंदर था उसे हम पर्सनली देखने के लिए गए थे, सिकंदर बोली था जो, हाँ जो सिकंदर आँख पे ब्लैक स्पॉट था, तो हम स्टार्टिंग में उसको पर्सनली देखने के पास गए, उसे देखने के बाद मैं उससे इतना प्रभावित हुआ कि नहीं रखना है तो बुल्ली ही रखना है, बाकी ब्रीड तो रखनी ही नहीं रखनी है, तो बुल्ली रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने सबसे पहले एक सिकंदर का बच्चा लिया था जिसको मैंने बहुत दिन तैयार किया, फिर वो तो किसी रीज़न वजह से मेरे पास एक्सपायर हो गया था, तो उसके बाद मैंने ये गिफ्ट, मेरे आशीष भाई साहब ने मेरे को गिफ्ट दिया, मैं उसका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे को ये इतनी अनमोल चीज़ गिफ्ट की थी, मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है, बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट दिया था। वो तो सर केवल ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है, ये मेरा शौक है जो मेरे को किसी भी कीमत पे सेल नहीं करना, मतलब बुल्ली का आपका शौक है और वो आपने बिजनेस पर्पस के साथ, हाँ वो मैंने बिजनेस पर्पस से रखा हुआ है, ये मेरा शौक है, ये तो मेरा वो है जो दिल से अटैचमेंट होती है कि हाँ दिल बोलता है नहीं भाई इसको रखना है, ये बेचने वाली चीज़ नहीं है किसी भी कीमत पे, बहुत अच्छी बात है भाई, इससे तो बहुत अच्छा अटैचमेंट है आपका, जो ये तो अपने सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने इंडिया की ब्रीड है, तो यार अपन कहीं और की ब्रीड को जनरेट करें, उससे अच्छा तो है कि कम से कम अपनी ब्रीड को तो कुछ बढ़ावा दें, भाई अपने खुद की ब्रीड है, अपने देश की ब्रीड है, अपने जर्मनी का जर्मन शेफर्ड पालते हैं, अमेरिकन बुल्ली पालते हैं, पोमेरियन पालते हैं, मतलब सभी विदेशी ब्रीडों के पीछे भागते हैं, तो कम से कम कुछ तो हो जो अपने पास, अपने ये कह सके कि हाँ यार हम इस देश के वासी हैं, भाई हम इस देश की भी कुछ रखते हैं, कुछ तो अपने पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए, अंदर चीज़ है फिर अपने देश की। हाँ और मेरे हिसाब से जिसने एक बार बुल्ली रख लिया ना वो और कभी किसी ब्रीड के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि इतनी तो लविंग ब्रीड होती है, इतनी अच्छी गाइडिंग करती है, बिल्कुल फ्रेंडली रहती है, साइज भी अच्छा है, पूरे खेलने बच्चों के साथ अच्छे से खेलती है, ना ज़्यादा इसको भाई ये है कि ना ज़्यादा खाने की, ना ज़्यादा अग्रेसिव की वो दिक्कत है। अब जर्मन शेफर्ड का सुनने में आता है बहुत से बंदों को मालिक को काट लेता है, बुल्ली का भाई साहब कम से कम आज से 6 से 7 साल मेरे को रखते हुए हो गए, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, ना कभी इसने ऐसा मालिक के प्रति कोई अग्रेशन दिखाया, लॉयल है मतलब मालिक के प्रति, सबसे वफादार और सबसे प्यारी ब्रीड है मालिक के प्रति। देखो अब अदर बंदे के प्रति तो थोड़ा दिखाएगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए अपन रख रहे हैं गार्डिंग के लिए, तो वो गार्डिंग तो करेगा, बाकी मालिक के प्रति बहुत लॉयल और बहुत वफादार ब्रीड है, मतलब मालिक के लिए वो ब्रीड है जो अपनी जान भी दे सकती है, ये जान देने में पीछे नहीं हटती मालिक के लिए। वैसे जैसे अभी अपने कोई बच्चे वगैरह आने वाले हैं इसके, कोई जी इसकी से अभी अपनी अपनी 2 फीमेल लोडेड है। अच्छा। एक तो अपनी टाइगर 2 की फीमेल लोडेड है जो एक दो दिन में बच्चे देने वाली है, और एक इससे अपनी काला पाकिस्तानी की बच्ची है जो अभी कंफर्म तो नहीं हुई है, 1 महीने के समथिंग हो गई, बट उसकी लगता है 90% कंफर्म है, और जो टाइगर 2 की बच्चिया जो 53 डेज की हो गई
उसके बच्चे एक दो दिन में, 5-7 दिन में आ जाएंगे बच्चे उसके। अच्छी बात है भाई साहब, जिस किसी व्यूवर्स को इस टाइप का बुली अगर लेना हो तो भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। भाई साहब फिर से एक बार नंबर बता दो आप। जी 8875505570। व्हाट्सएप पे भी ये नंबर? जी मेरे व्हाट्सएप पे भी यही है, गूगल अकाउंट भी इससे ही है। और जैसे आप कोई जैसे साउथ साइड से या वेस्ट साइड से कोई मंगाता है तो वहाँ ईस्ट वगैरह में तो सप्लाई वगैरह कर दोगे? जी मेरे बहुत से बच्चे चेन्नई, महाराष्ट्र, पुणे, केरला, बहुत से बच्चे गए हैं अपने, और वहाँ के आप बंधु से बात भी कर सकते हो। 2-3 बच्चे तो अपने वेलू के ही दे रखे हैं अपन ने, जो कि एक तो केरला है, एक पुणे है, एक मुंबई है। मतलब इंडिया भर में सप्लाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ इंडिया भर में सप्लाई है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा कलेक्शन है आपका। तो नए जो अभी नए ओनर जो बनना चाहते हैं बुली के, उनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मतलब मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप खड़ी सुनी बातों पर विश्वास मत करो। आप एक्चुअली कभी चीज़ को लाइव देखो, अपनी आंखों से देखो चीज़ है क्या। अपन क्या बंदूक सुन लेते हैं यार बुल्ली बहुत बड़ी ब्रीड है, अग्रेसिव है, काट लेती है। मेरा मानना ये है कि आप ऐसी कोई पेट रखने की सोच रहे हो तो एक बार अपने सबसे पहले इंडिया की ब्रीड को लाइव देखो है क्या, किसी की बात पे विश्वास मत करो। लाइव देखो चीज़ क्या है, कितनी अग्रेसिव है। मैं मानता हूँ बुल्ली बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली है, अच्छी गाइडिंग करता है। यदि किसी को गाइडिंग के लिए लेना है तो वो बुल्ली ही सजेस्ट करूँगा, बाकी ये नहीं है कि और ब्रीड गाइडिंग नहीं करती। लेकिन पहले कम से कम अपन अपनी चीज़ को तो बढ़ावा दें भाई, अपन विदेशी पे जाते हैं कम से कम पहले एक अपनी चीज़ हो उसे बढ़ावा दें अपन। बस अब एक चीज़ हो, जैसे मौसम के हिसाब से कोई इनको दिक्कत आती है? देखो सर अपने यहाँ की ब्रीड है, अपने यहाँ के वातावरण में आराम से में रहती है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। अपने यहाँ की ब्रीड है, अपने आप उस वातावरण के अनुसार ढलती जाती है ये, मतलब सबसे कम यदि कोई ब्रीड बीमारी देखने को मिली जाती है तो वह है अपनी बुल्ली, बुल्ली कुत्ता है जो सबसे कम बीमार होता है। वैसे मेरे को याद नहीं कि इनमें इतनी जल्दी कोई बीमारी आती है, सबसे कम बीमार होने वाली ब्रीड है, क्योंकि अपने आप ये यहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप एडजस्ट हो जाती है। जैसे और कोई ब्रीड है दूसरे देश की है तो उसमें और अपने यहाँ के टेम्परेचर में आपको बताया फ़र्क है, वहाँ के और यहाँ के एनवायरमेंट में फ़र्क है, लेकिन ये तो अपने यहाँ की खुद की ब्रीड है तो ये तो अपने है ही इसी प्रकार की, जो वातावरण है उसी प्रकार की है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, अपने आप ये उस वातावरण के अनुसार मैच्योर होती जाती है। इसकी पूरी फुल लेंथ है डॉग की, देखो आप लेंथ ही अच्छी भाई साहब डॉग की। अच्छी लेंथ है भाई साहब, देखो लेंथ नापी भाई साहब आपने? मतलब बोली जाए तो मेरी इतनी लेंथ होगी। लेंथ आपने कभी नापी है इसकी? नहीं सर मैंने लेंथ कभी नहीं नापी इसकी, बाकी है बहुत ज़्यादा लेंथ, मतलब मेरे हिसाब से शायद ही किसी डॉग की इतनी लेंथ देखने को मिली। लेंथ तो अच्छी है डॉग की, बहुत अच्छी है। और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक परफेक्ट देती है इसको, ये तो अपने आप में एक पूर्ण है, कोई कमी नहीं निकाल सकता है इस चीज़ में कि ले इसकी लेंथ कम है, हाइट कम है, फेस क्वालिटी नहीं है, कोई बोलता है ईयर अच्छे नहीं लग रहे, टेल क्वालिटी कम है। कम भी कोई नहीं है डॉग के अंदर, परफेक्ट है हर तरफ से, हर तरफ से परफेक्ट है। तो व्यूअर्स बताओ कैसा लगा आपको बुली डॉग? एक बेहतरीन बुली डॉग है, स्किन क्वालिटी, बस इसकी स्किन क्वालिटी दिखाओ एक बार आप उठा के स्किन। ये देखिए भाई साहब इसकी स्किन क्वालिटी व्यूअर्स देखो, बहुत ये एक बेल्ट निकाल दिया ना। हाँ जी तो ये देखो बहुत अच्छी स्किन क्वालिटी में, एकदम सॉफ्ट स्किन है पूरी लंबी, देखो बहुत सॉफ्ट गुलाबी चमड़ी एकदम है ना, एकदम गुलाबी मुलायम चमड़ी जैसे गुलाब का फूल नहीं होता। हाँ जी हाँ जी उस तरीके से देखो, पूरी सॉफ्ट स्किन, बहुत सॉफ्ट स्किन है, और फेस भी एकदम इसका बहुत सुंदर, एकदम सुंदर, पूरा फ्रेंडली है, देखो छोड़ रखा है मेल को, कोई कहता बुल्ली डॉग फ्रेंडली नहीं होता। अभी वर्ष देखो आपको साफ लाइव दिखा रहे हैं कितना फ्रेंडली है, देखो पूरा छोड़ रखा है एकदम फ्रेंडली, एकदम देखो एकदम खुला छोड़ रखा है। और हम खेत के बीचों बीच आए हैं, आपको दिखाए थे लोकेशन पूरी, खेत के बीचों बीच आए हुए हैं, और एक शानदार बुल्ली डॉग है खेत के अंदर बीचों बीच, बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। ये देखो देखो आप ये मौज, देखो मस्ती मार रहा है अभी, आराम से खेलेगा, थोड़ा ठंड का माहौल है ना। हाँ ये खेलेगा, बहुत अच्छा भाई साहब, एकदम बढ़िया शौक कर रहे हो आप।
खेलने का बहुत ज्यादा शौक है इसको, बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है इसको। बच्चों के साथ खेलना पसंद है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, पूरे दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है। बच्चे तो इसके ऊपर बैठ के घूमते होंगे, पूरे ऊपर बैठ के वो बच्चे इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ये सो जाता है कि खेल लो। मजे से खेलने देता है बच्चों को, ये देखो कितना फ्रेंडली है, वरना मेरे हिसाब से बुल्ली इतनी आसानी से खड़ा भी नहीं रहता। नहीं नहीं वैसा बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं बुल्ली, आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है बुल्ली डॉग, सुनने में ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, काट लेती है ये ब्रीड, लार्ज ब्रीड है। हाँ जी, ये सिर्फ लोगों की सी खरी सुनी बातें हैं। सबसे अच्छी बात भाई साहब इसके अंदर आपने इसकी ईयर क्रॉपिंग नहीं कराई, ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। वैसा देखो ईयर क्रॉपिंग वही है, कोई यदि अपने अंग को काटे तो अपने को कैसा लगता है। हाँ जी हाँ जी, अपने शरीर से अपना अंग अलग कर दे तो अपने को कैसा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अपने को। तो वही बात है कि अपने इसके शरीर से कोई अंग अलग कर रहे हैं, अपने शौक कोई चीज शौक के लिए पाल रहे हैं या उसको परेशान करने के लिए पाल रहे हैं। एकदम बोलते हैं कि यार मैंने कुत्ता पाल रखा है, ये देखो क्रॉपिंग करा रखी है, या तूने इसे प्रॉब्लम दर्द तो पहले से दे रहा है तू, शौक किस चीज का हुआ। फिर आप बोलते यार हमें डॉग लवर है, तो ऐसा लवर तो क्या, आप बेजबान जानवरों पे तो अत्याचार कर रहे हो। बहुत अच्छे कह सकता है कि आप सर मेरे कान मत काटिए, ये मेरी है वो शो क्वालिटी बढ़ाता है, मेरी शान है, आप ये इसको मत काटो, ये तो बोल तो सकता ही नहीं ना। ये तो है वैसा, वो क्या करते हैं कान काट देते हैं वैसा, भी इससे फेस अच्छा दिखेगा और अच्छा दिखेगा वैसा, फेस की क्या है, फेस तो इसमें कान के साथ ही अच्छा दिख रहा है। देखो कान के साथ आप इसका लुक देखिए, कौन कहता है कि बुल्ली का लुक अच्छा नहीं आता। व्यूअर्स आप देखो कान के साथ देखो लुक इसका, ये देखो आप व्यूअर्स कमेंट में बताओ कि आपको लुक कैसा लगा कान के साथ। लोग बोलते हैं कि कान के साथ फेस नहीं दिखता, ये देखो शानदार दिख रहा है भाई साहब, एकदम शानदार पूरा भारी फेस, ये देखिए आप बोलो। कान तो होती है जो एक्चुअली बुल्ली की शोभा बढ़ाता है, कान के साथ तो बताता है कि प्योरिटी कितनी है बुल्ली के अंदर। ये तो है भाई साहब, बुल्ली की प्योरिटी बताता है तो वो कान क्वालिटी हुई, टेल क्वालिटी हुई, स्किन क्वालिटी हुई, वो चीज़ प्योरिटी बता देती है। अपन टेल और कान ही यदि अलग कर दिए तो प्योरिटी क्या चीज़ बताएगी अपने को कि प्योर है कि नहीं, वो चीज़ कैसे अपन देख पाएंगे। ये देखिए कमाल हो गया भाई साहब, बाकी पूरा फ्रेंडली आपको तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, वो कोई इश्यू नहीं है। ये देखो इधर व्यूअर्स को खुला छोड़ दिया, देखो आप ये देखो, और एकदम मस्ती से घूम रहा है बढ़िया एकदम। हाइट भाई साहब कितनी है इसकी अपने, वैसा हाइट होगी इसकी 33+, 33 इंच। हाँ ले लो, ले बेटा पकड़ आ जा, ये देखो व्यूअर्स देखो फुल हाइट लेंथ में डॉग है, पूरा फ्रेंडली, पूरा फ्रेंडली है और बढ़िया कानो। भाई साहब अब जैसे हम इतनी दूर से आए हैं वीडियो बनाने के लिए, हमें तो इतना अच्छा बुलेट देख के हमारे तो सारा कुछ थकान वगैरह जो थी हमारी सारी दूर होगी, अब हमारे बारे में क्या कहना चाहोगे। वैसे अब मैं यह कहना चाहूँगा आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, जिसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। मतलब आप बंदू को ये चीज़ दिखा रहे हो कि बुल्ली एक्चुअली अपनी चीज़ है क्या, आप अपने देश को बढ़ावा दे रहे हो एक तरफ से, अपनी खुद की ब्रीडिंग मतलब जो अपने इंडिया की ब्रीड है आप उसे दर्शकों को दिखा रहे हो कि हाँ देखो ये अपने इंडिया की ब्रीड है। आप इतनी दूर परेशान होकर आते हो, 300 किलोमीटर का सफ़र करके आते हो, इतनी दूर आके दिखाते हो, मैं तो ये मानता हूँ आपका दर्शकों पे मुझ पे ये एक बहुत बड़ा एहसान है, जिसका शायद हम ये कुछ बोल के या कुछ कह के हमें भी बहुत अच्छी मतलब एक इतनी दूर से आते हैं तो वैसे उम्मीद करके आते हैं कि एक अच्छा डॉग देखने को मिले तो अपना पूरा सफ़र अच्छा निकल जाए। नहीं वैसा भी है तो देखो आप आपका एक बड़प्पन है, वैसे आप दर्शकों को दिखा रहे हो तो मैं तो ये मानता हूँ आपकी बहुत बड़ी मेहनत और बहुत टाइम लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी लगता है, आप अपना कीमती समय निकाल के आते हो, आज टाइम पर फ्री कोई नहीं है, फिर भी आप दर्शकों के लिए अपनी इंडिया की ब्रीड के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो कि अपनी इंडिया की ब्रीड को बढ़ावा मिले। अपने वीडियो खत्म करते हैं इसी के साथ। भाई साहब जय हिंद, राम राम।